أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون میں نے گزشتہ خطبے میں اس دعا کا ذکر کیا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ گویا حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے بالآخر بد دعا کی اور یہ ایک عرض کی اپنے رب سے کہ اے خدا ان کافروں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے اور دنیا کو ان سے اور ان کی ناپاک پیدا ہونے والی نسلوں سے ہمیشہ کے لیے پاک فرما دے. ساتھ ہی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ دراصل یہ حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بد دعا نہیں تھی بلکہ منشاہ الہی کے مطابق آپ کو پہلے سے خبر دے دی گئی تھی کہ اب اس قوم میں کوئی بھی ہدایت پانے والا نہیں ہے اور چونکہ انسانی زندگی کے مقصد کے خلاف ہے کہ کوئی انسان خدا تعالیٰ کو کلیتاً بھلا کر ہمیشہ کے لیے اس سے کٹ جائے اور اس کی آئندہ نسلیں بھی ناپاک پیدا ہوں اس لیے ان لوگوں کے لیے دعا کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی. وہ آیات جن کا میں نے ذکر کیا تھا ان کی آج میں نے تلاوت کی ہے اور ان کا اگر آپ غور سے مطالعہ کریں تو ان میں اور بھی بہت سے گہرے سبق ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نوح پر وحی فرمائی کہ اب تیری قوم میں سے کوئی تجھ پر ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا ہے, بس اب ان پر کسی قسم کا افسوس نہ کر, کوئی حسرت نہ کر, جو ان کی تقدیر تھی وہ لکھی جا چکی ہے.
ये जो मैंने कहा कि दरअसल हर नबी अपनी कौम के लिए दुआ करनी चाहता है, बददुआ किसी हालत में भी नहीं करनी चाहता, इसका सबूत यह है कि मान बात खुदा ताला फरमाता है, वसन इल फुल का बे आयोनना व वाहियना वला तो खातिबनी फिल लजीन जलम कैनू, हम जानते हैं कि इस खबर के बाद भी तेरा दिल बेकरार होगा और तू अपनी कौम के लिए दुआ करनी चाहेगा मगर हम तुझे इजाजत नहीं देते। ला तो खातिबनी फिल लजीन जलम, हमें इस कौम के मुतल्लिक कुछ ना कहे, हरगिज हमसे खिताब ना कर इस कौम के मुतल्लिक जिन्होंने जुल्म किया है। इन्नहुम मुग़रकून, क्योंकि इनकी ये तकदीर के ये गर्क किए जाएंगे लिखी गई है, आखिरी हो चुकी है। वसन इल फुल का बे आयुनना व वाहियना में एक ऐसी कश्ती का जिक्र है जिसके मुतल्लिक दो बातें उस कश्ती को तमाम दुनिया में बनने वाली कश्तियों से नुमाया कर देती हैं और मुमताज कर देती है। वसनैल फुलका वे आयोनेना, हमारी निगाह के सामने, हमारी नजर के सामने ये कश्ती बना। जिस तरह मालिक चीज बनती हुई देख रहा हो, खुसूसन वो चीज जो उसे बहुत प्यारी हो, वो अपने सामने बनवाया करता है। निस्बतन कम प्यारी या ऐसी चीजें जिनकी उसको खास परवाह नहीं होती, वो मुलाजमों के सुपुर्द भी कर देता है, दूसरों को भी देखने के लिए ताकीद कर देता है, लेकिन खुद उस कश्ती के ऊपर उस चीज पर खड़ा होता है जिस चीज से उसको गैर मामूली प्यार हो और ये पसंद ना करे कि उसमें जरा सी भी कोई बनावट उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाए। बाज़ दफा बड़े बड़े कीमती औकात वाले लोग भी बाज़ चीजों को खड़े होकर मुसलसल अपने सामने बनवाते हैं। मसलन जब ये तालीमुल इस्लाम कॉलेज बनाया गया तो चूंकि हजरत खलीफतुल मसीह सालिस को, उस वक्त तो खलीफतुल मसीह सालिस नहीं थे मगर बहरहाल हजरत साहिबजादा मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब को तालीम से बड़ा प्यार था और कॉलेज से बहुत प्यार था, इसलिए दिन रात सर्दी थी या गर्मी, मौसम कैसा भी खराब हो, आप तमाम जायद वक्त वहीं लगाया करते थे, छत पर खड़े होकर अपने सामने मजदूरों को हदायत देते कि इस तरह फला जगह डालो, फला कमी पूरी करो, फला नक्स पैदा हो रहा है इसको ठीक करो, बड़ी मेहनत की है कॉलेज के ऊपर। तो ये एक फितरती तकाजा है, जिस चीज से इंसान को प्यार हो, जिसको अहमियत दे, उसके ऊपर मुसलसल नजर रखता है। तो ये एक अजीब किश्ती थी कि उस जैसी किश्ती ना कभी पहले बनी ना कभी आइंदा जाहरी सूरत में बनाई गई। फरमाया है वसना इल फुलका बेअयुनना, हम मुसलसल निगाह रखेंगे ऐनु इस कश्ती के ऊपर, वाहियना और जो तुझे हमने हदायत की है, जो कारीगरी हमने तुझे सिखाई है उसके मुताबिक ये कश्ती बना। और वो कारीगरी हजरत नूह ने किसी और से तो नहीं सीखी थी, कश्ती बनाना तो आप नहीं जानते थे, एक एक कील जो ठोंका गया, एक एक मेख जो लगाई गई, अल्लाह ताला ने बताया कि इसको इस तरह रखो, इस तरह लगाओ, और मुसलसल अल्लाह ताला की आंख के नीचे और अल्लाह ताला की वही किताबे वो कश्ती बनाई जा रही थी। एक तो ख्याल ये पैदा होता है कि इतनी अजीम शान कश्ती, ऐसी मुकद्दस कश्ती कि जो बेनजीर और बेमिसल हो अपनी नौ में, बईद नहीं कि उसका निशान आज भी कहीं मिल जाए। निस्बतन अदना अदना चीजें भी जमाने ने महफूज रख ली हैं, मिट्टी में, मिट्टी के ढेर में दबी हुई फॉसिलाइज शक्लों में मुख्तलिफ कौमों की तारीखें मिलती हैं और लकड़ी के काम भी बहुत बहुत पुराने मिलते हैं। तो ये कहना कि चूंकि लकड़ी थी इसलिए जाया हो गई होगी जरूर, यह भी दुरुस्त नहीं। हजरत नूह के जमाने से पुराने जमानों की लकड़ी की बनी हुई चीजें भी अब दस्तयाब हो चुकी हैं। ये जो ख्याल है ये और भी मुफक्किरीन और मुहक्किकीन को आ चुका है और हजरत नूह की कश्ती की तलाश मुख्तलिफ जगहों पर होती रही है, कोहे अरारात पर भी और बाज़ दूसरी जगहों पर भी, और वक्तन फवक्तन बाज़ एक्सपेडिशंस, बाज़ मुहिम्मात कश्ती की तलाश में भेजी गई हैं।
लेकिन उनका जुग्राफिया, जिन लोगों ने कश्ती को तलाश किया, बाइबल पर मबनी था, और कुरान जो जुग्राफिया बयान करता है वो उससे मुख्तलिफ है जो बाइबल बयान करती है। इसलिए तभी बात है कि उनकी सारी कोशिशें नाकाम होनी थी और अब तक नाकाम रही हैं। बईद नहीं कि अल्लाह ताला किसी अहमदी मुहिम को यह तौफीक अता फरमाए कि वो कुरान के बयान फरमूदा नक्शे और जुग्राफिया के मुताबिक इस कश्ती को तलाश करे और यह कश्ती दस्तयाब हो जाए। और अगर यह दस्तयाब हो तो एक बेनजीर कश्ती होगी। लेकिन यह तो बात की बातें हैं। मैं एक और कश्ती की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवानी चाहता हूं, वो भी खुदा की आंख के सामने बनाई गई, वो भी खुदा ताला की हदायत के ताबे तश्कील दी गई, और वो कश्ती आप हैं यानी जमात अहमदिया। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्हामन बताया कि तू एक कश्ती तामीर कर, और वो कश्ती क्या है? वही जमात अहमदिया जिसमें शामिल होने के साथ अल्लाह ताला ये जमानत देता है कि तमाम दुनिया की हलाकतों से तुम महफूज किए जाओगे। बस उस जाहरी लकड़ी की कश्ती की भी बड़ी कदर कीमत है, और यकीनन उसको तलाश करने वाले भी बड़े खुशकिस्मत होंगे। लेकिन बहुत ज्यादा कीमती है वो कश्ती जो नूह की कौम को नहीं बल्कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को अता हुई, जो एक तालीम की शक्ल में पहले जाहिर हुई और फिर उस तालीम ने एक जमात का रूप धार लिया, और एक जमात की शक्ल में आज वो दुनिया में मौजूद है और दुनिया के हर मुल्क में उस कश्ती के नमूने बन रहे हैं। जितने आला कारीगर ने कोई चीज बनाई हो उतना ही ज्यादा जुल्म होता है उसमें दखल अंदाजी करना और उसकी शक्ल को बिगाड़ना, क्योंकि एक कामिल तस्वीर को अगर एक अदना नक्काश छेड़ेगा तो वो खूबसूरती तो पैदा नहीं कर सकेगा, उसमें तो बदसूरती पैदा करेगा। एक कामिल सन्ना की पैदावार में अगर कोई अनाड़ी दखल देगा तो सवाय इसके कि उसकी अच्छी भली सूरत को बिगाड़ दे और कोई नतीजा पैदा नहीं कर सकता। तो यह कश्ती यानी जमात अहमदिया, यह वो मुकद्दस कश्ती है जिसके खद्दो खाल खुद अल्लाह ताला ने अपनी आंखों के सामने और अपनी वही के मुताबिक तश्कील दिए कि इस निजाम को ढालने में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अपनी सोच का इसमें कोई भी दखल नहीं था। कश्ती नूह के मुतल्लिक जैसा कि मैंने बयान किया है, अल्लाह ताला बहुत खुला और वाज़ेह फरमाता है कि इसकी तमाम तफासील हमने बताई, अपनी निगरानी के सामने बनवाया। तो अगर ये कश्ती नूह है, और यकीनन कश्ती नूह ही है, यानी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वो तालीम जिसने जमात अहमदिया की शक्ल में तजस्सुम इख्तियार किया, तो इसका हर पहलू, इसका हर जर्रा, इसकी हर नोक पलक अल्लाह ताला की हदायत किताबें बनी है। बस उस खूबसूरत जमात सहाबा के खदो खाल को जिंदा रखें और जारी रखें। अगर ताबेईन ने या तबा ताबेईन में उन नकूश में फर्क डाल दिया और तब्दीलियां पैदा कर दी, तो पहले भी जमातें ये जुल्म करती आई हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा जुल्म होगा कि ऐसी जमात जिसको अल्लाह ताला ने कश्ती नूह से तशबीह दी हो और नहायत ही प्यार के साथ उसका जिक्र कुरान करीम में महफूज फरमाया हो, वो देखते देखते दो तीन नस्लों में ही उस कश्ती के नकूश बिगाड़ दे। दूसरा पहलू इसमें यह है कि जितने बड़े तूफान हो उतनी एहतियात के साथ कश्तियां बनाई जाती हैं, और बहुत बड़े बड़े माहिर सन्ना अपनी सारी कोशिशें और अपना सारा इल्म इस बात में सर्फ कर देते हैं कि हर किस्म के इम्कानी खतरे का ये कश्ती मुकाबला कर सके या ये जहाज मुकाबला कर सके। चुनाचे जंग अजीम सानी में भी ऐसे जहाज बनाए गए और बड़े बड़े दावे भी किए गए। मसलन इंग्लिस्तान ने एक ऐसा जहाज बनाया जिसके मुतल्लिक ये दावा था कि यह हर किस्म के इम्कानी खतरे के मुकाबला करने के काबिल है, और जब वो समंदर में उतारा गया तो पहली दफा ही ऐसे तूफान से उसका सामना हुआ कि वो लौट के वापस नहीं आ सका।
हालांकि उस जमाने की दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उसके पीछे थी और दुनिया के चोटी के जहाज बनाने वालों ने अपनी कुव्वतें उस पर सर्फ की थी। तो इंसान तो नाहल होता है, इंसान तो अपनी लाइल्मी के नतीजे में अपनी जहालत में बाज दफा दावी बड़े कर देता है लेकिन अमलन उन दावी को सच्चा साबित नहीं कर दिखाता। लेकिन अल्लाह ताला ने जो कश्ती बनाई हो उसके मुतल्लिक ये वहम भी नहीं आ सकता कि कोई ऐसा तूफान भी आएगा जो उस कश्ती को गर्क कर दे। बस अगर आप इस कश्ती के खदोखाल की हिफाजत करें तो यह आपकी जमानत है। कितनी बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं आपको मिटाने के लिए और किस तरह उनकी लहरें आपसे टकरा के पाश पाश हो गई और उनका कोई वजूद बाकी नहीं रहा और किस शान के साथ ये मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हाथों की बनी हुई कश्ती उसी तरह लहरों के ऊपर गलबे के साथ तैरती चली गई। बस अगर आपने इसमें दखल ना दिया, अगर आपने इस मुकद्दस सन्ना की बनाई हुई तरकीबों में अपने दिमाग की बेहुदा और लव तरकीबों को दखल ना देने दिया, अगर आपने बड़ी हिफाजत और प्यार के साथ और जांसूजी के साथ इसके अदना से अदना नक्श की हिफाजत की, तो ये चंद मामूली तहरीकें क्या चीज हैं। अगर वो तूफान भी उठे जिसे आलमी तूफान नूह से तशबीह दी जा सकती है, अगर ऐसी लहरें भी बुलंद हों जो पहाड़ों को गर्क कर दें और दुनिया की बड़ी बड़ी कौमों को तबाह कर दें, मैं आपको कुरान करीम की तालीम की रूह से और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम की रोशनी में खुशखबरी देता हूं कि यह कश्ती वो कश्ती है जिसका दुनिया का कोई तूफान कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। यह लाजमन गालिब आएगी और पहाड़ों की बुलंदियों पर बुलंद होगी, तूफान थमेंगे तो यह नीचे उतरेगी, लेकिन तूफान ऐसा कोई नहीं जो इस कश्ती को डुबोने के लिए पैदा किया गया। लेकिन शर्त वही है कि अल्लाह ताला के हाथ की बनाई हुई कश्ती है, इसे इंसानी हाथों से नापाक और गंदा ना करें। दूसरा पहलू इस आयत का जो खास तौर पर तवज्जो का मुस्तहिक है वो है वला तुखातिबनी फिल्लजीन ज़लमू इन्नहुम मुग़रकून। दूसरी जगह तो अल्लाह ताला ने अंबिया को मना नहीं फरमाया कौम के लिए दुआ करने से, हजरत इब्राहिम को भी मना नहीं फरमाया, हजरत लूत को भी मना नहीं फरमाया, यानी दुआ करने के बाद ये तो कहा कि छोड़ दो अब इस बात को, लेकिन ये और तरह का मना करना है। ये नहीं फरमाया कि हम तुम्हें खबर तो दे रहे हैं लेकिन दुआ करने की इजाजत नहीं देते। हजरत इब्राहिम के मुतल्लिक तो यहां तक फरमाया युजादिलो नाफी कौम लूत, झगड़ा कर रहा था हमारे से। अब ये झगड़ा बड़े प्यार का इजहार है, ये तो मुराद नहीं थी कि नाउज़ बिल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम हो चुका होता कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करता और फिर इसरार कर रहे होते। साफ पता चला है कि इशारतन या कनायतन भी अल्लाह ताला ने आपको मना नहीं फरमाया था, वरना इब्राहिम का वो मुकाम था कि नामुमकिन था कि खुदा की तरफ से इशारा पाने के बाद फिर वो किसी किस्म की गुफ्तगू फरमाते। तो युजादिलो ना के का मौका देना अल्लाह ताला का और मोहब्बत और प्यार के साथ, ये एक बहुत बड़ी बात है। खूब जोर लगाया हजरत इब्राहिम ने और अल्लाह ताला ने लगाने दिया, ये दलीलें भी निकालो वो दलीलें भी निकालो, अपनी तरफ से जो भी तुम्हारे जहन में जवाब बन सकता है इस कौम को बचाने का पेश कर दो और हम तुम्हें बताते चले जाएंगे कि ये जवाब भी दुरुस्त नहीं और वो जवाब भी दुरुस्त नहीं और वो भी दुरुस्त नहीं और वो भी दुरुस्त नहीं। एक भी वजह जवाब होती इस कौम को बचाने की तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम बचा लेते। और फिर मना किस तरह प्यार से फरमाता है, या इब्राहिमो आरिज़ अन हाज़ा इन्नहु कद जा अम्रु रब्बिक, कि ऐ इब्राहिम अब बस कर, जाने भी दे, छोड़ इस किस्से को, अल्लाह का हुक्म तो आ भी चुका है, जिसको टालने की तू कोशिश कर रहा है वो तो सर पर आ खड़ा है, अब देर हो चुकी है, अब वक्त भी नहीं रहा, अगर हम तेरी बात मानना भी चाहें तो हमारी तकदीर तो जाहिर हो गई। कैसा अजीमुशान
प्यार का इजहार है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, और उनकी दुआओं को रद्द भी कितने प्यार से किया है। इन्नहु लवाहुमुनी, साथ ही बड़े उसके दिल की तारीफ भी कर दी, बड़ी दिलजोई फरमाई है हजरत इब्राहिम की। इसके बिल्कुल बरक्स हजरत नूह को इजाजत ही नहीं मिलती कि वो अपनी कौम के मुतालिक कोई जिक्र भी कर सके। क्या उसमें हिकमत थी? उसमें अगर आप गौर करें तो एक बहुत ही गहरा, बहुत ही अजीम शान सबक है। एक ऐसा सबक है जो इंसानियत के मुकाम को बहुत बुलंद और अरफा कर देता है। हजरत इब्राहिम जिस कौम के लिए दुआ कर रहे थे, उस कौम का हजरत इब्राहिम के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। आपकी औलाद में से कोई एक शख्स भी उस कौम में शामिल नहीं था जिस कौम के लिए आप बेकरार थे, उसको बचाने के लिए आप तरसा और लरजा थे और आजजाना दुआएं कर रहे थे। लेकिन हजरत इब्राहिम, हजरत नूह ने जिस कौम के लिए दुआ करनी थी उसमें उनके बेटे ने शामिल होना था। चुनाचे इस लतीफ बात में यह भी एक इंतजार का पहलू था कि नूह को जो इसलिए मना किया जा रहा है कि अंबिया की शान के खिलाफ है कि उनके तराहुम में अदना सी नफ्स की मिलौनी भी शामिल हो जाए। दुश्मनों के लिए दुआएं करने की इजाजत दे देता है अल्लाह ताला, लेकिन अपना बेटा शामिल हो गया है इसलिए फरमाया कि नहीं, अब तेरा वो मुकाम नहीं रहा, अब अगर तू दुआ करेगा तो हो सकता है कहने वाला ये कहे और सोचने वाला आइंदा ये सोचे कि नूह ने इसलिए दुआ की थी कि उसका बेटा भी शामिल था। लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं तुझ पे ये दाग नहीं लगने देना चाहता, तमाम अंबिया को इजाजत दूंगा लेकिन तुझे इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे अपने खून का भी उसमें हिस्सा शामिल हो गया है उन लोगों में जिन पर अजाब आने वाला है। चुनाचे हजरत नूह को मना फरमाना बैनी इसीलिए था, इसको अल्लाह ताला खुद खोल देता है। हजरत नूह को अल्लाह ताला का मना फरमाना जिस गरज से था उसको खोलते हुए अल्लाह ताला बयान फरमाता है, وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي लगफूर रहीम वह तजरीब फी मौजिन कल जिबाल व नादा नूह इब्नहु व कान फी माज़िलिन या बुनय्य अरकब माना वला तकुम मल काफिरीन काल सावीला जबल यासिमुनी मिनल मा काल लासिमल योमा मिन अम्रिल्लाह इल्ला मर रहमा वहाल बैनहुमल मौजु फकाना मिनल मुरकीन वकील यार दुबलई मा के वया समा वकलई وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال قال رب إن ابني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ।
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت نوح نے یہ کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حضرت نوح کو کہ اس پر سوار ہو جاؤ اس کشتی پر، بسم اللہ مجرحا و مرساہا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہی کے سپرد ہے، اسی کے نام کے ساتھ ہے اس کا جاری ہونا اور اس کا بلند ہونا. ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب تو بہت ہی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور یہ ایسی کشتی تھی کہ پہاڑوں کی طرح بلند، موجوں پر بھی وہ سوار تھی اور وہ موجیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی. لیکن اچانک نوح نے کیا دیکھا کہ اس کا بیٹا ایک ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں قریب تھا کہ موجیں اس کو جا لیتی. تو نوح نے اسے دیکھ کر بے قراری سے یہ آواز دی کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو. نوح کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں تو پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، یہ طوفان کیا چیز ہے، ایک سے دوسرا بلند پہاڑ میرے سامنے ہے، یوں یوں موجیں چڑھتی چلی جائیں گی، میں بھی اور بلند تر ہوتا چلا جاؤں گا. معلوم ہوتا ہے ایسا علاقہ تھا جس کے ارد گرد پہاڑ بھی تھے اور ایک کے بعد دوسری بلند چوٹی تھی. پہلے نسبتاً نچلی جگہ پہ تھے جب یہ واقعہ ہوا، لیکن جب حضرت نوح نے ان کو اس بیٹے کو پکارا تو اس نے جواب دیا کہ یہاں تو پہاڑوں کا سلسلہ ہے، میں ایک کے بعد دوسرے پہاڑ کی طرف رجوع کرتا چلا جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من مر رحما. حضرت نوح نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، آج اللہ کے حکم سے کوئی پناہ نہیں، اگر ہے تو اس کشتی میں ہے، اس کے سوا آج روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں جو کسی انسان کو خدا کے فیصلے سے بچا سکے. اور ابھی یہ جواب دے ہی رہے تھے، حال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ ایک ایسی موج اٹھی جس نے اس بیٹے کو نظر سے غائب کر دیا اور پھر اس کو دوبارہ نہیں دیکھا گیا کیونکہ وہ مغرقین میں سے ہو گیا. یہ وہ واقعہ ہونے والا تھا جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے خطاب کرنے سے منع فرما دیا. اور اس کے بعد خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس وقت تک حضرت نوح نے کلام نہیں کیا جب تک کہ یہ سارا طوفان گزر نہیں گیا. بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر حضرت نوح نے کہنا شروع کر دیا کہ اے خدا تو نے تو اس کو مار دیا، یہ تو میرا بیٹا تھا. ہرگز ایسی بات نہیں. قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. پھر خدا نے حکم دیا آسمان کو کہ وہ تھم جا، زمین کو فرمایا کہ وہ اپنا پانی چوس جائے، پھر وہ پانی نیچے ہوا اور نیچے ہونے کے بعد پھر پہاڑ کی چوٹی پر وہ کشتی لگی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے عرصے میں حضرت نوح کو دکھ ضرور تھا بیٹے کے مرنے کا، اور دکھ اس کے مرنے کا اتنا نہیں جتنا اس تعجب کی بنا پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ تیرے اہل کو میں نجات بخشوں گا، پھر یہ کیا واقعہ ہو گیا. یعنی یہ دکھ نہیں تھا دراصل کہ حضرت میرا بیٹا کیوں ہلاک ہوا، یہ دکھ تھا کہ میری پیشگوئی کیوں پوری نہیں ہوئی، خدا کا کلام جو مجھ سے تھا میں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، یہ کیا واقعہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو واضح خبر دی تھی کہ تیری اولاد کو میں بچاؤں گا اور وہ میری اولاد تھی، اور پھر وہ نظروں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہلاک ہو گیا. تب اس حضرت نوح نے عرض کیا جب یہ سارا معاملہ گزر گیا تھا، ورنہ اس وقت تو انبیاء کی شان کے خلاف ہے کہ ادنا سا بھی اشارتاً یا کنایتاً بھی ایسا کلام منہ پر لائیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے کلام پر کسی معنی میں بھی کوئی حرف آئے. اور جب پوچھا ہے تو یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا کیوں مرا ہے،
उसको जिंदा रहना चाहिए था। यह अर्ज की कि ऐ खुदा वो तो मेरी औलाद थी, तो यह कहता हूं कि तेरा वादा सच्चा है, फिर यह मुहिमा क्या हो गया कि तेरा वादा भी सच्चा है और मेरा बेटा भी है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि यह क्या वाकया हुआ है। इसलिए इस तर्ज बयान में कोई गुस्ताखी नहीं है, बड़ी आजजी का इजहार है, अपनी नासमझी का, अपनी कमअकली का कह दीजिए कि मेरी इंसानी अकल, मेरी बशरी नजर व फिक्र इस मुहिमे को हल नहीं कर सकते। उस पर अल्लाह ताला ने यह मुहिमा खोला और फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन हालिक इन्नहु अमलुन गैरु साले, कि ऐ नूह वो तेरा बेटा किस तरह हो गया, तेरे अहले बैत में से वो नहीं था, इसलिए कि उसके अमल गंदे थे। चुनांचे हमेशा के लिए अहले बैत के लफ्ज की तारीफ फरमा दी, फरमाया कि कोई जाहिरी रिश्ता और कोई जाहिरी खून का ताल्लुक किसी को नहीं बचा सकेगा, अदना लोगों को भी नहीं बचा सकेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इजहार मोहब्बत और प्यार अल्लाह ताला नबी से कर सकता है। बस नबी का जाहिरी खून भी उसकी ऐसी औलाद को नहीं बचा सका जिसने उस खून की कदर नहीं की और उसके पैगाम की हिफाजत नहीं की और अपने आमाले सालिया में नबी के आमाले सालिया को जारी नहीं किया। इसलिए रूहानी तौर पर जो काटा गया वो जिस्मानी तौर पर भी काटा गया। यह एक दूसरा सबक है जिसकी तरफ मैं जमात को तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि कश्ती नू में हिफाजत की खुशखबरी तो जरूर है, अहले खानदान के लिए भी और उनके लिए भी जो खानदान से जाहिरी ताल्लुक नहीं रखते लेकिन हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके इस कश्ती में सवार हो गए, लेकिन यह जमानत उसी वक्त तक है जब तक आमाले साले मौजूद रहेंगे। जब भी आमाले सालिया में कमजोरी वाकया हुई तो वो खुदा जिसने नूह के बेटे को हलाकत से नहीं बचाया वो आइंदा भी कभी नहीं बचाएगा, वरना हमेशा के लिए वो खुदा तकदीम से समझा जाएगा। यह मुमकिन नहीं है कि नूह के जमाने में तो उसने नबी के जाहिरी बेटे को बचाने से इनकार कर दिया लेकिन बाद के किसी जमाने में जाहिरी औलाद की कदर करते हुए इसलिए कि किसी प्यारे की औलाद है उसको बचा ले। क्या क्यामत के दिन फिर नूह यह सवाल नहीं कर सकेगा कि ऐ खुदा मुझे भी तो तूने ही नबी बनाया था, मुझसे भी तो तूने ही प्यार का इजहार किया था, और ऐसा प्यार कि मेरी खातिर सारी दुनिया को हलाक कर दिया और परवाही की, तो मेरे बेटे को क्यों माफ नहीं किया जबकि बाद में आने वालों के बेटों को माफ किया गया। यह वाकया नहीं हो सकता, यह ऐसा इल्जाम है अल्लाह ताला के इंसाफ पर जो कभी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जहां अमन का मुकाम है वहां खौफ का भी मुकाम है, जहां खुशखबरी से हमारे दिल बलियों में उछल रहे हैं कि तमाम दुनिया के तूफान मिलके भी हमें हलाक नहीं कर सकेंगे, वहां यह खौफ भी दामनगीर रहना चाहिए और तकवा के साथ इस्तिग़फ़ार करते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए कि खुदा ना करे हम में से कुछ ऐसे लोग हों जो बज़ाहिर इस कश्ती में सवार हों लेकिन हकीकत में इस कश्ती से उनका कोई ताल्लुक ना हो, बज़ाहिर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अहल हों और जमात की तरफ मंसूब हो रहे हों लेकिन जब तूफान आए तो उनको अलग कर दें और खोटे और खरे में तो ऐसी तमीज की जाए कि उस वक्त मालूम हो कि कौन अहमदी था और कौन अहमदी नहीं था। खुदा ऐसा वक्त ना लाए कि हम में से कुछ, हमारे प्यारों में से कुछ, हमारे करीबियों में से कुछ ऐसे तूफान के वक्त में गर्क किए जाएं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कामिल वफा के साथ, पूरी एहतियात के साथ, पूरे तकवा के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, हक के साथ और सब्र के साथ इस कश्ती की हिफाजत करते चले जाएं जो कश्ती तमाम दुनिया को बचाने के लिए आज पैदा की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.